মেঘালয় বিধানসভার নিশ্চয় সোমবারে মেঘালয় বিধানসভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করে গুহত্যা নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ইয়াক লৈ রাজনৈতিক মহলত ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কে গোয়া আর সাউথ কে কই রাজ্য মে হো রহা হ্যাঁ লোক কেনা কি খান পান পর কিছু তর কি বন্দিশ লগানা ইয়ে মুনাসিব নই হর ব্যক্তি কো ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो क्या खाएगा और क्या पहनेगा उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। जिस प्रकार से केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन हुआ उससे लोगों में एक विरोध का वॉइस कहिए उसको आवाज़ कहिए उठ रही है और ये ठीक नहीं है। अगर कुछ भी इस प্रकार का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला केंद्र सरकार लेती है तो उसमें सबसे पहले वहाँ के लोगों को हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेना चाहिए। देखिए ये जो इनका नोटिफिकेशन आया है इस देश के किसान को बहुत उससे नुकसान हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में तो ये उनका मुख्य भोजन है पूरा नॉर्थ ईस्ट वैसे ही वो डिस्टर्ब है बड़ी मुश्किल से देश में इंटीग्रेट किया गया है तो वो जो कह रहे हैं उनकी जो भावनाएं हर्ट हो रही हैं वो ठीक है बात है। भारत सरकार को इस नोटिफिकेशन के बारे को वापस करना चाहिए या इसको साफ करके इसको ठीक और दुरुस्त करना चाहिए। ये किसान का दूसरे नंबर का धंधा है यानी किसान की खेती गड़बड़ होती तो ये जानवर ही उनका एक सहारा होता शादी में ब्याह में बीमारी में चाहे वो भैंस है गाय है बकरी है भेड़ है ये धंधा है। এনে এক অবস্থাত কেন্দ্রীয় সরকারের ফলের পর গো মাংস নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত স্পষ্টীকরণ দিবলৈ বাধ্য হয়। দেখিয়ে ভারত সরকার নে সুপ্রিম কোর্ট কে নির্দেশ পর প্রিভেনশন অফ ক্রুয়ালিটি টু অ্যানিমলস যে কানুন হুসকে অন্তর্গত কুছ রুলস বনায়ে আর হমনে ইয়ে বড়া স্পষ্ট কিয়া হি রুলস देश में किसी एक भी व्यक्ति के खाने पीने की आदतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावित करने के संदर्भ में नहीं है। ये रूल्स किसी भी प्रकार से जो स्लॉटरिंग से जुड़ा हुआ व्यवसाय है उसको प्रभावित करने के लिए नहीं है। इन रूल्स को बनाने के बाद एक महीने के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया था सारे अच्छे सुझावों को শামিল কিয়া গিয়া থা ইস সবকে বাবজুদ ভি দেশ মে কুছ লোক ইস কানুনকে অর ইসকে অন্তর্গত বনে হুয়ে নিয়মো মে ভ্রান্তিয়া ফেলানে মে লগে হ্যাঁ। উল্লেখযোগ্য যে দেশের ভিতর প্রথমখন মেঘালয় রাজ্য যখন রাজ্য মুক্তিভাবে গো মাংস নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ব্যুরো রিপোর্ট আসাম টকস।